नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन जॉब एंट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपको थोड़ी नौकरी से हटके एक छोटी सी जानकारी लेके आए हैं। इसमें क्या आधार कार्ड के बारे में थोड़ी अलग जानकारी बताने वाले हैं। क्या है कि जैसे अब ई आधार का नया फीचर आ गया है, जिससे आपको अगर आधार में ये सब चीजें हैं तो आपको बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स मिल जाएंगी इस आधार कार्ड की वजह से। तो ये आधार कार्ड के क्या है फीचर, ठीक है, जो ई आधार है उसके क्या फीचर है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी बताने वाले। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको ले चलते हैं सीधे आपका जो आधार है उसके होम पेज पर, ठीक है। आपको उसकी वेबसाइट पर हम लेके आ चुके हैं। यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, वेलकम टू UIDAI, मेरा आधार मेरी पहचान, ठीक है। इसमें क्या है, आपको हम बताने वाले फीचर्स ऑफ आधार, ठीक है। देखिए यहाँ पर माई आधार है, इसमें एक नीचे यू लिखा है, इसमें ई आधार का ऑप्शन आ गया है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब आगे जानकारी बताने से पहले, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे जो लाल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आपको ले चलते हैं सीधे इस बटन पर क्लिक करके जो आपका पेज खुलने वाला है, ठीक है। जो आपका पेज खुलेगा वो ये खुलेगा, इसमें आपको दिख रहा होगा फीचर्स आधार है उसके। देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको कितने दे रखे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीजें आपको उसमें दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, इम्प्रूव्ड डिजाइन विद द टेक्स्ट रीअलाइनमेंट, ठीक है। जो इसका अलाइनमेंट मतलब कि इसमें स्पेस वगैरह उसके हिसाब से आपको बढ़िया तरह से मॉडिफाई करके मिलेगा। नंबर टू, इश्यू डेट ऑफ आधार जनरेशन, आपको यहाँ पर एक तारीख एक दिनांक यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा जिस दिन आपका आधार जनरेट या इश्यू हुआ है, दिन की तारीख होगी, ठीक है। और अगला है लार्जर इमेज ऑफ रेसिडेंट फॉर बेटर विजिबिलिटी, तो जो आपकी फोटो होगी, यहाँ पहले क्या था छोटी फोटो आती थी, अब इसमें एक बड़ी फोटो आ रही है, ठीक है, जिससे साफ साफ दिखे कि हाँ आपका चेहरा इसमें साफ साफ दिखे, वो कोई पहचान ले कि हाँ ये आपका ही है। और एक चीज और, इसमें VID प्रिंट होके मिलेंगे, जो पहले आधार कार्ड थे उनमें किसी में भी आपको वर्चुअल आईडी नहीं मिलेगी, तो इसमें एक वर्चुअल आईडी है जो आपको बहुत फायदेमंद रहती है, जैसे आपका ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं जो आपका VID से हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसके आधार कार्ड के पीछे हमको क्या होता है, यहाँ से लेके ये इतना जो एरिया आपको दिख रहा है केवल इतना ही एरिया आपको प्रिंट होके देते हैं, ठीक है, लेकिन आधार हमारा इतना बड़ा पूरा एक कागज दिखता है जिसके पीछे भी कुछ होता है। तो पीछे क्या होता है, एक तो अपडेट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग यूजर जॉब QR कोड, जो इसमें QR कोड होता है कैसे यूज करना है उसका क्या है उसकी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। और उसके नीचे एक एम्ब्लेम एंड आधार लोगो ऑन बोथ साइड है, ठीक है। इसमें एक आधार का जो लोगो होता है, ठीक है, जो हमारे अंगूठे के हिसाब से मैच करता है, वो इस आधार के पीछे भी और आगे भी हमेशा मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज, QR कोड, ये डिजिटली साइन QR कोड होता है विद फोटो, ठीक है। जैसे ही बहुत सारा आपने देखा होगा जब जियो की सिम आई थी तो बस वो इस आधार को स्कैन करते थे, उनके पास आपका डेटा चला जाता था और आपको सिम मिल जाती थी, तो वही है ये। और ये इसके इतने फीचर है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी को आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पर यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी राम राम।